हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोट ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। एक ऐसी फीलिंग्स जो बेसिकली दिल में है, मन में है, लेकिन सामने से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चाहे फिर वो उनकी खुद की फैमिली हो, अपने फ्रेंड्स हो, या आप ही क्यों ना हो। तो वो डीपेस्ट फीलिंग्स आज हम आपके पर्सन की कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। जब मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान आपको अपने पर्सन का नाम ज़रूर लेते रहना है ताकि आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद भी अगर आप अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रेशर लेकर नहीं देखना है, बहुत लाइट माइंड से देखना है। उसकी वजह भी ये है कि अगर लाइट माइंड से भी आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। गाइज, यहाँ पर दो कैंडल्स इसीलिए रखी गई हैं, सबसे पहले इनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की कोशिश करी जा रही है और साथ में इनकी तरफ से क्या कोई एक्शन आने की पॉसिबिलिटी है, क्या एक्शन होगा, वो सब चीज़ें कैंडल ग्रीन कैंडल से देखी जाएगी, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की इस वक्त में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए। काफ़ी लो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जैसे कि फ्लेम एकदम से बुझकर जली हो, जो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली अपने गम को, अपनी पेन को काफ़ी ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। दिल में बहुत कुछ है और सबसे ज़्यादा आप हो, आपकी यादें हैं, क्योंकि ये पर्सन उसी को फॉलो करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है आपको स्टॉक कर रहे हो अब करंट में, बीच में भले इन्होंने स्टॉप कर दिया हो आपको स्टॉक करना, आप पे नज़रें रखना, लेकिन अब इन्होंने फिर से वो स्टॉक करना स्टार्ट करा है, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है, ये स्टॉक करने की वजह मुझे ये दिख रही है कि दिल में जो कुछ है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, वो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो एनर्जीज है, यानी कि आपके सामने अपने गम को शेयर करना चाहते हैं। आपके पर्सन का डेफिनेटली फोकस ना इस वक्त में पूरी की पूरी तरह से आप पर है, लेकिन ये चीज़ें ये आप पे जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपकी यादें जो बीती बातें हैं वो इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं, या आपकी तरफ अभी भी इनका खिंचाव है, तो वो चीज़ें भी इनकी फीलिंग्स में मुझे काफ़ी दिख रही हैं। देखिए, आपके पर्सन ने ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट तो कर रखा है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दबाकर इन्होंने रख रखा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि मन रोता है, परेशान होता है, लेकिन बताना नहीं है किसी को भी, तो वो एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही है। इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में मुझे सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और आपको जो लेट गो करना पड़ रहा है इन्हें, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, वो इन्हें अंदर से खुश नहीं कर रहा है। वो फीलिंग्स, वो थॉट ही इन्हें अंदर से परेशान कर रहा है, वो थॉट ही इन्हें अंदर से अकेला और अकेले रहने का डर पैदा करा रहा है, इसीलिए आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं।
ये बार बार पीछे कदम रखकर आपको देखते हैं ताकि आपसे वापस से रिकनेक्ट हो पाएं, या जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज हैं उससे ये डिटैच्ड हो पाएं, अपने आप को डिटैच्ड कर पाएं, तो वो एनर्जीज भी है। लेकिन ये पर्सन चाहकर भी वो आपको बता नहीं रहे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर है। आपके लिए अभी भी पैशन रखते हैं, वो पैशन इनका है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है, और वही पैशन इन्हें कहीं ना कहीं आंसुओं के बीच में लेकर आता है। ये एनर्जीज है, आप फ्लेम देखिए, जैसे आंसुओं की आंखों से बूंदें निकल रही हों, आंसू निकल रही हों, तो वो एनर्जीज है। लेकिन ये पर्सन अपने आंसुओं को भी काफ़ी ज़्यादा छुपा लेते हैं, और उसका सबसे अच्छा रास्ता भी इन्होंने ढूंढ रखा है, एज एन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, कुछ ऐसी बातें सोचना जिससे इनका माइंड आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सके, या आपको आपसे अपने आप को डिटैच कर सके, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर है। लेटर IPLVAS ये सब मुझे दिख रहे हैं, C जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करते होंगे। आपके पर्सन के साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, मूव आपकी तरफ डीप इंसाइट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको इस वक्त में सबसे बड़े राक्षस बनकर दिखा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा डेविल जो बने हुए हैं ये ही आपको बनकर दिखा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी मुझे बेसिकली ये दिख रही है कि आपके पर्सन का ऐसे करने की वजह इनके पीछे किसी और की है, ये उसे छुपा रहे हैं, उसे डिफेंड करने के लिए ये अपने आप को आपके सामने डेविल बनकर दिखा रहे हैं, वो एनर्जीज भी यहाँ पर है। इसी रीज़न की वजह से ना आपके पर्सन, जैसे आप कोई इनसे सवाल कर रहे हो, इन तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक एक्सक्यूज़ बना देते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि बिज़ी हैं, या इनकी फैमिली नहीं मान रही है, जो भी है ये एक्सक्यूज़ डेफिनेटली बनाते होंगे, क्योंकि ये इस वक्त में खुद से ट्रैप्ड है, चाहे वो एक डर का ट्रैप्ड हो उस थर्ड एनर्जी की तरफ से, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की तरफ से, या फिर किसी ने इन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड कर रखा है, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर डेफिनेटली लेटर एस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिविटी चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एज एन इस रिश्ते में कंप्लीट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे साथ में कोई कंडीशन भी दिखाई दे रही है जिस रीज़न के चलते ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेने की बजाय इस रिश्ते को एंड करने का डिसीज़न ले रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई है जिसे पकड़ कर बैठे हैं, या जो कोई थर्ड एनर्जी है उसने उस बात को जकड़ कर रख रखा है, और जो आपके पर्सन को यहाँ पर डेविल बनने के लिए प्रेशराइज्ड कर रही है, लेकिन ये पर्सन उस थर्ड एनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, तो इसी रीज़न की वजह से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स आपसे छुपा रहे हैं। आप खुद देखिएगा, आज वैक्स कहीं पर भी तुरंत से मूव नहीं कर रहा है, एज एन ये एनर्जीज बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त में जहाँ है वहीं रहना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी यादों के सहारे ही सही वहीं पर रहकर आपका वेट करना चाह रहे हैं, या हालातों के आगे अपने आप को मजबूर, हारा हुआ, थका हुआ फील कर कर बस वहीं पर दम से बैठ गए हैं, वो एनर्जीज हैं, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना उसकी लीड नहीं ले पा रहे, यानी कि जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये ही बनते जा रहे हैं इस रिश्ते को ख़राब करने में, भरोसे को तोड़ने में, या आप तक रीच आउट करने में, तो वो सब चीज़ें भी ये आपसे छुपा रहे हैं, यानी कि जिन चीज़ों के लिए ये आज तक अवेयर हो चुके हैं, जिसे शायद आपके माइंड में तो ये लगता होगा कि ये अभी तक अवेयर ही नहीं हुए हैं, इन्हें सच्चाई पता ही नहीं है, तो वो सब चीज़ें इन्हें पता है, लेकिन ये जानकर भी उन चीज़ों के लिए अनजान बनकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे अपनी ये फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ये सब छुपाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं।
इस पर्सन ने जैसे एक सोच बना ली हो कि मैं बस अब यहीं पर ढंग से बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ तो बस बैठ गई हूँ, अब मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकता, मैंने गिव अप कर दिया है। बहुत जल्दी गिव अप करने वाले इंसान ये मुझे दिख रहे हैं, जैसे होता है ना कि बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है इनका फोकस चेंज हो जाता हो, मतलब एक होता है ना इंसान कॉन्सेंट्रेट करके काम नहीं कर पाता, तो वो उस तरह के उस किस्म के मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। और उसको वहीं पर बैठ बैठ कर बस ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ खो दी, इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने आप ये अकेले रह गए, ये परेशान हैं, ये विक्टिम हैं, तो वो एनर्जीज़ हैं। मतलब अरे भाई विक्टिम हो तो कुछ तो कोशिश करो, उठकर खड़े होकर कोशिश तो करो, लेकिन नहीं, ये यहीं बैठ कर रो लेंगे, धो लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन उठकर खड़े नहीं हो रहे हैं, वो एनर्जीज़ हैं इनकी। इस पर्सन के मन में गिल्ट है, नो डाउट इनके मन में गिल्ट है, लेकिन ये वो गिल्ट भी आप तक जाहिर नहीं कर रहे हैं। उस गिल्ट को जाहिर करने की बजाय कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो गिल्ट जो है इनका, वो गुस्से के पीछे, फ्रस्ट्रेशन के पीछे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही है। काफ़ी स्ट्रेस में तो अब ये पर्सन रहने लगे हैं, मतलब इन्हें अब स्ट्रेस होने लगा है, भले पहले होता हो या नहीं होता हो, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसी ही एनर्जीज़ में रहते होंगे कि जैसे बहुत परेशान हैं, इनसे ज़्यादा दुखी आत्मा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेयर बहुत करते हैं, वो एनर्जीज़ भी दिख रही है, जैसे अब अपना पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस ये लगा लिया हो कि मुझे तो अब संन्यास ले लेना है, मुझे तो अब बस भगवान की ही उसमें भक्ति में लीन हो जाना है, तो वो भी एनर्जीज़ इनकी है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि दिखाने को कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से कुछ और चल रहा है, भले ऐसा आपको दिखा रही हूँ कि ये मतलब इन सब चीज़ों में लीन हो गए हैं, इनका फोकस इन सब चीज़ों में हो गया है, और सामने अंदर खाने इनके कुछ और चल रहा है, तो वो चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने डबल मास्क पहना हुआ है, ये एनर्जीज यहाँ पर है। इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि ये अपने आप को ना पावरलेस मान चुके हैं, मतलब एक होता है दिमाग से इंसान मान लेता है ना, तो वो मान चुके हैं, वो एनर्जीज़ बहुत दिख रही है, और इसी रीज़न की वजह से ये ना आपको ऐसे बनकर दिखा रहे हैं कि ये पत्थर दिल बन गए हैं, इन्हें आप तोड़ नहीं सकते हो, आप ना अपने इमोशन से, ना आप अपने किसी भी जेस्चर से, किसी भी एक्शन से, या अगर आप अच्छे DP फोटोज़ एंड ऑल लगा रहे हो, ये आपके लिए भावुक होते हैं, आपके लिए एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियोसिटी जागती है मन में, लेकिन फिर भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि आपको ये दिखा रहे हैं कि अब इनके ऊपर आपका कोई भी जेस्चर जो है किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, ये पत्थर बन चुके हैं। L लेटर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन या आपसे रिलेट कर सकता है। नंबर 7 दिख रहा है, यानी कि जुलाई मंथ, जो आपसे किसी तरह से रिलेट कर सकता है। C लेटर है, जो मुझसे टूट गया उठाने के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके एक्शंस, क्या कोई एक्शंस होगा इनका आपकी तरफ। हालांकि कुछ मुझे अभी ऐसी एनर्जीज में दिखा नहीं इनका एक्शन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे इनकी तरफ बढ़ने का, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। भाई आपकी पर्सन तो बहुत स्लो है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बोलते भी होंगे ना तो घंटों लगा देते होंगे, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है, और अभी भी उसी स्लो एनर्जीज में दिख रहे हैं। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो होते हैं कि सामने वाला इतने में काम भी करके ले जाता है, तो वो एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है। कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं चीज़ों का, लेकिन उस मामले में भी स्लो हैं, तब तक ट्रेन ही पकड़ के आप भाग लोगे, वो एनर्जीज दिख रही है इनकी। सब चीज़ों का आइडिया है कि खुशियाँ कैसे हैं, प्यार कैसे है, एक एक्साइटमेंट कैसे मिलेगा, एक घर कैसे मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना उस टावर को लिए हुए बैठे हैं, जो मतलब ख़राब हो गई हैं चीज़ें, उस राख को हाथ में,
उस बात को, टूटी हुई बिल्डिंग को हाथ में लिए हुए बैठे हैं, बजाय कि अब इसके बारे में सोचे कि भाई अब इसे कैसे सही करना चाहिए या अब नए सिरे से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसकी बजाय उस राख को, उस टूटे हुए मलबे को आपके पर्सन हाथ में लिए हुए बैठे हैं, ये सोचकर कि भाई मेरा बुरा वक्त है, मेरा कर्मा मेरे साथ है, ये सोचकर ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी, बहुत ऐसी एनर्जी कि इन्हें देखकर भी ना सामने वाला थोड़ा सा इरिटेट हो जाता होगा, वो एनर्जीज दिख रही है। चाहे कोई भी हो, फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, वो भी इनकी इस तरह की वाइब्रेशंस देखकर ना इरिटेट ही होते होंगे। अब इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ में खुद से डिलेस को, पोस्टपोनमेंट को, इन सब चीज़ों को खुद से इनविटेशन दिया है, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। और इसी रीज़न की वजह से ये कोई एक्शंस लेते भी हैं या कुछ करके भी दिखाते हैं या कोशिश भी करते हैं, उसका कोई रिजल्ट इन्हें अल्टीमेटली नहीं मिलता है, वो भी एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, बस ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि समय बीतता जा रहा है और उस बीते हुए समय को लेकर रो रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो अभी इनके अकॉर्डिंग तो मुझे इस पर्सन की साइड से आपके लिए कोई एक्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, एकदम टर्टल की तरह। ठीक है, चलिए अब ब्राउजिंग के माध्यम से देखते हैं, यस और नो में आपका जो भी मन में सवाल होता है आप पूछ सकते हैं इस ब्राउजिंग के माध्यम से। एज इन देखिए काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप लोग पूछते हैं क्या हमारा ये होगा, क्या हम कंसीव करेंगे, क्या कुछ भी, जैसे जो भी आपके माइंड में सवाल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ब्राउजिंग करी जाती है ये इसी रीज़न की वजह से करी जाती है, ताकि यहाँ पर आप अपने सवाल का जवाब जान सकें। तो जो भी आपके माइंड में यस और नो में सवाल होते हैं तो आप वो इसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी आपके मन में है रीडिंग के रिगार्ड हो, या जो भी एक्स वाई जेड आपके मन में सवाल हैं, डाउट्स हैं, वो आप इस ब्राउजिंग के माध्यम से यस और नो में देख सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और मैं बेसिकली नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आज यस यहाँ पे रखा है और नो मेरा यहाँ पे रखा है, और देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए क्या है व्यूअर्स के सवाल का जवाब। देखिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पे यस आया है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, और काफ़ी क्विकली ये आंसर आया है। तो जो भी आपके मन में सवाल था ना, उसका जवाब बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की और क्या है डीपेस्ट फीलिंग्स जो बेसिकली वो आपसे छुपा रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए जो ये छुपा रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पे है क्लींजिंग टू द पास्ट, कंपैरिजन, मोमेंट टू मोमेंट, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्या है इनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। ट्रैवलिंग इंटेंसिटी, गाइड कीजिए बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। एक्सपीरियंसिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। तो एनर्जीज जो मेजरली यहाँ पर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। देखिए बेसिकली आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, जो भी आप लोगों के
बीच में पास्ट में टॉक्सिक हुआ है, ये पर्सन ना तो उसे भुला पा रहे हैं ना आपकी यादों को मिटा पा रहे हैं अपने दिल से अपने दिमाग से, ठीक है। यानी कि इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि ये दोनों ही चीज़ों के बीच में, चाहे वो अच्छे पल थे चाहे वो बुरे पल थे, जो भी, ऐसा तो नहीं था कि सब चीज़ें फ्लो में चल रही थी, तो जो भी टॉक्सिसिटी हुई है उसे भी और जो भी प्यार था उसे भी, दोनों के बीच में ये लटके पड़े हैं, दोनों के बीच में ये पर्सन जगल कर रहे हैं और दोनों के बीच में ही ये पर्सन अपने आप को ये सोचकर चला रहे हैं कि पता नहीं मुझे आगे चलकर कहाँ पर दिक्कत हो सकती है। यानी कि इसी रीज़न की वजह से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है डीप इनसाइड कि मेरी ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा, चाहे फिर वो वेट करके हो, चाहे फिर वो कंपैरिजन करके हो, चाहे फिर वो मूवमेंट की तरह हो। यानी कि पास्ट में जो भी हुआ मेरी लाइफ में या मेरी ज़िंदगी का जो अभी तक का एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत बेकार रहा है और ये चाहते हैं कि वो जल्दी से सही हो, उसमें इंटेंसिटी आए, लेकिन ऑब्वियसली इंटेंसिटी आ नहीं रही है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना परेशान हो रहे हैं वो एनर्जीज है, स्ट्रेस ले रहे हैं वो एनर्जीज है। इन्हें सब पता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ नहीं पता कि आप इन्हें कितना प्यार करते हो, या थर्ड पार्टी है तो उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसकी नियत, उसके इंटेंशन इन्हें कुछ नहीं पता, तो भाई इस इंसान को सब पता है, लेकिन ये इंसान उसी को डिफेंड कर रहा है या कर रही है, ये भी एनर्जीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं, गाइड कीजिए बताइए, और रोमांस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। फाइनेंसेस एंड कैरियर, काफ़ी लॉसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर, और इसीलिए आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो यहाँ पर। लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस के लिए आया है, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो, किसी और से करो या ना करो, जैसे वो एक कहावत होती है ना भाई, अपने आप को प्यार करो, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया नहीं आपको खिलाने आ रही रोटी, दुनिया ना आपको पैसा देने आ रही है ना आपके लिए कैरियर में ग्रोथ लेकर आ रही है, तो उस एनर्जी में आपको रहना है, वो गट्स, वो एक कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि भाड़ में जाए लोग, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। क्योंकि बहुत से लोग, मैंने जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बहुत से लोग तो अपने पर्सन का इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में एक बात है कि दुनिया क्या सोचेगी, या अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे तो उस चीज़ का आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ की बजाय आप अपने अंदर वो पावर लेकर आओ ना, अपने अंदर वो गट्स लेकर आओ कि जहाँ पर ज़रूरत है आप एफर्ट कर सको। ये पर्सन इस एनर्जी में है, मगरमच्छ की तरह पानी में पड़े हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एफर्ट करने हैं अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दोस्त लोगों की नज़रों में अपने लिए रेस्पेक्ट देखने के लिए आपको एफर्ट करने हैं, और अपने माइंड को ओपन रखना है। यानी कि पुरानी धक्यानुसी बातों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि चार लोग क्या कहेंगे, बुआ फूफी काकी क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, नहीं, ओपन माइंड रखिएगा अपना। आज की डेट में हर कोई इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा है या कर रही है, तो इन चीज़ों को लेकर अपने दिमाग को खुला रखो। जो कोई नैरो सोच रखता है या रखती है उसे अपनी लाइफ से तुरंत बाहर निकाल दो, ठीक है, और फिर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ। कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि लाओ हम तुम्हारी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दें, लाओ हम तुम्हारे को प्यार करना सिखा दें, कोई नहीं बोलेगा आपको, बल्कि लोग दूसरे को दुखी देखकर ज़्यादा खुश होते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स है। तो आई होप आपकी, आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ,
और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।